99% लोगों को पता नहीं है कि लौंग खाने से ऐसा कुछ भी हो सकता है। अगर समय रहते ना पता चला तो हो सकती है कोई गंभीर समस्या भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रोगानुसार में एक बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिले तो अपनों से शेयर जरूर करें, ताकि आपके अपने भी लौंग के बारे में जान लें और इसका उपयोग इस तरह से ही करें ताकि भविष्य में कोई समस्या ना हो और आपके शरीर में। दोस्तों क्योंकि इसके बारे में 99% लोग जानते ही नहीं, इसलिए आप जरूर जान लें। जी हाँ दोस्तों, लौंग एक लोकप्रिय मसाला है। करी में लौंग से इस मसाले का इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। ये कई स्वास्थ्य लाभों के लिए भी जाना जाता है। ये खाने में स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट के रूप में जाना जाता है। इसमें औषधीय गुण भी होते हैं। दोस्तों लौंग में एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल और एंटी माइक्रोबियल गुण भी होते हैं। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लौंग के फायदे। अगर आप शारीरिक कमजोरी के शिकार हैं तो यह खबर आपको काम आ सकती है। इसमें हम आपको लौंग खाने का तरीका और सही समय के साथ साथ इसके कुछ ऐसे फायदे बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों आज आपको केवल 5 ऐसी बातें लौंग के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे और हमें वीडियो के बाद धन्यवाद जरूर करेंगे, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, इसलिए आप जरूर जान लें। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर 1, दोस्तों दमा रोग में भी लौंग के फायदे मिलते हैं। लौंग, आंकड़े के फूल और काला नमक को बराबर मात्रा में पीस लें। इन्हें पीसकर चने के आकार की गोलियां बना लें। इसे मुंह में रखकर चूसने से और दमा के साथ साथ श्वास नलिका के विकार को भी ठीक किया जा सकता है। नंबर 2, जी हाँ दोस्तों, लौंग में कई ऐसे कंपोनेंट शामिल होते हैं जो एंटी एलिमेंट्री गुणों से जुड़े होते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है यूजेनॉल। यूजेनॉल को शरीर में सूजन कम करने, गठिया जैसी रोगों को दूर करने और इसके लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए जाना जाता है। नंबर 3, दोस्तों हैजा होने पर बहुत अधिक प्यास लगती है और ये बहुत ही गंभीर समस्या हो सकती है। इस समस्या में लौंग खाने से बहुत ही लाभ मिलते हैं। इसके लिए आप 1 या 1.5 ग्राम लौंग को करीब 1.5 लीटर जल में डालकर उबाल लें और 2 से 3 मिनट तक इसे उबाल लेने के बाद उतार कर ढक दें। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें 20 से 25 ml जल को बराबर मात्रा में मिलाकर पीने से हैजा जैसी समस्या खत्म होती है। नंबर 4, दोस्तों यूजेनॉल भी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। लौंग एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यह आपके शरीर को उन मुक्त कणों से लड़ने में मदद करता है जो आपकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं और बीमारी का कारण बन सकती हैं। आपके सिस्टम में मुक्त कणों को हटाकर लौंग में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट हृदय रोग, मधुमेह और कुछ कैंसर के जोखिम को भी कम करने में सहायक होते हैं। नंबर 5, दोस्तों जी मिचला रहा हो तो आप लौंग के फायदे ले लें। लौंग को पानी के साथ पीसकर थोड़ा गर्म कर लें। इसे थोड़ा थोड़ा पीने से जी मिचलाने जैसी समस्या खत्म हो जाती है। अत्यधिक प्यास लगने पर भी इस समस्या को ऐसे ही ठीक किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें।